लेट मी इन्फॉर्म दैट जो पिछला रिजल्ट रहा है हमारा, वी हैव गिवन मोर देन रफली 50% ऑफ द टोटल सिलेक्शन, 210 सिलेक्शन हुई है हमारी जो पिछले साल का रिजल्ट रहा है। तो अगर आपको भी इसका हिस्सा बनना है, आपको भी एग्जाम क्रैक करना, तो वी गिव यू मोर चांसेस, आपके जो चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज वी हैव द एक्सपर्टीज, वी हैव द एक्सपर्ट टीम विद अस जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है इस एग्जाम को क्रैक करने में, राइट? वी हैव द एक्सपीरियंस विद रिगार्डिंग दिस। उसके अलावा दिस इज समथिंग स्पेशल फॉर यू कि जो लोग हमारी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, या अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, राइट, विच हैज रफली 100 टेस्ट्स, तो विल गिव यू अ फ्री लाइव कोर्स फॉर द सोशल सिक्योरिटी। तो आपके लिए एक एडिड एडवांटेज है, आपको कुछ पे नहीं करना है अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। उसके अलावा अगर आप ने कोचिंग नहीं ली है और सेल्फ स्टडी किया एंड यू हैव डाउट्स ऑन सर्टेन टॉपिक्स ओनली, आपको लगता है कि लेबर लॉ पढ़ा, उसमें आपको लगता है कि फैक्ट्रीज एक्ट में आपको डाउट है, राइट, तो सिर्फ उसका मुझे कोर्स चाहिए, बस मुझे फैक्ट्रीज एक्ट कोई समझा दे, तो वी हैव लॉन्च माइक्रो कोर्स फॉर दैट। जितने भी जो टॉपिक हैं, आपको पूरा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, पूरा लेबर लॉ भी अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए आपको कोर्स लेना, तो वो भी परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग स्पेशल विद अस, दिस इज यूएसपी। कैन सी छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं, और देखते हैं क्या क्या इनके आंसर्स होंगे, क्या आपके नॉलेज है, चेक करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं डायरेक्ट है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वहाँ पे किसके रिलेशन को दर्शाया जाता है, राइट? और ये आप लोगों को पता ही होगा किसका, एम्प्लॉयर होता है सिर्फ, एम्प्लॉई भी होता है यूनियन, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट सारे हैं, यहाँ पे जो रिलेशन है सभी के रिलेशन को बेसिकली वह वो दर्शाया जाता है। सो इट ये जो है द इंडस्ट्रियल रिलेशन रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन ऑल दिस फोर, इसका मतलब डी मस्ट बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, नॉट द राइट ऑप्शन, ये याद रखिएगा बस, जो मैंने आपको बताया हमेशा, ये आपको क्या देखना है, नॉट द राइट वन बट द बेस्ट पॉसिबल क्या है, उनमें अच्छा क्या है, जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से अच्छा है ये, राइट? ये ऐसा नहीं सारे ऑप्शन सही होंगे और सारे गलत होंगे, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसमें कौन सा फैक्टर नहीं है। सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या रीजन होगा, किस पर्पज से किए जाते होंगे, ऑब्वियस है, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वहाँ पे जो रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय उनके रिप्रेजेंटेटिव लाइक द ट्रेड यूनियंस, उसकी हम बात करते हैं, और किस लिए बात करते हैं, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, इफिशियंसी लाई जा सके, जो प्रॉब्लम्स उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, जो डिस्प्यूट है उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। ऑब्वियस है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हमारा काम हो सकता है, और ये क्या कह रहा है, दिस इज नॉट, ठीक है। मोरल मोटिवेशन एम्प्लॉय को बढ़ाना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल है, जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो ये बढ़ जाएगा। इंक्रीज द इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट बढ़ाना रीजन नहीं हो सकता, तो बेस्ट जो आंसर है इसका वो डी होना चाहिए, तो डी मार्क करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन आसान लग रहा है, आसान है, पर ऐसे क्वेश्चन में याद रखना कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और जब ऐसे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं जनरली नॉट को इग्नोर कर जाते हैं, और ये कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि ये सारे फैक्टर हैं, तो हमें लगता है कि ये कहाँ से बीच में आ गया, तो कई बार हमारा ध्यान यहाँ नहीं जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल पीस जो है इट इज थ्रू वॉलेंट्री डैश सिक्योर्ड कंपल्सरी डैश, तो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल पीस है कैसे आ सकती है, आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन से आ सकती है, ट्राइब्यूनल या वर्क कमेटी से आ सकती है, नेगोशिएशन या एडजुडिकेशन से आ सकती है, या रेवरेंस हैंडलिंग एंड कम्प्रोमाइज से आ सकती है। देखो आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन ये चीज़ें हैं, बट अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो सभी नज़दीक नज़दीक आपको लग रहे होंगे, और ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड सा भी हो सकता। अब इसको एग्जाम के एस्पेक्ट से देखते हैं कि इनमें बेस्ट क्या है, हमेशा किसकी बात करनी है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन की, सही की बात मैं नहीं करता हूँ, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें यही होगा, दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव टेस्ट, राइट? आर्बिट्रेशन की बात कर रहा है, ट्राइब्यूनल की, नेगोशिएशन और रेवरेंस हैंडलिंग,
यहाँ पे जो चीज है वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन नहीं होगी, वॉलेंट्री नेगोशिएशंस हो सकती है कि नेगोशिएशंस किसके बीच में, बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज, अगर वो वॉलेंट्री नेगोशिएट करें तो, अगर नेगोशिएट नहीं करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, सिक्योर्ड थ्रू कंपल्सरी एडजुडिकेशन। कि जो एडजुडिकेशन क्या होता है, किसी मैटर को डिसाइड करना, वो कंपल्सरी होना चाहिए। अगर डिसीजन जो है कि एडजुडिकेशन मीन्स डिसीजन ऑफ सम इशू इज कंपल्सरी, कि वो डिसाइड होना चाहिए कैसे, नेगोशिएशन से, तो इससे इंडस्ट्रियल पीस आएगी, मीन्स एडजुडिकेशन बाय नेगोशिएशन, राइट। तो आप थोपेंगे नहीं उसको। तो यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन बनता है दैट इज सी। आगे बात करें द थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप। जो ट्रस्टीशिप है वो किससे रिलेट करती है, कि ट्रस्टीशिप में होता क्या। देखिए ट्रस्टीशिप थ्योरी की अगर बात करें, रफ सा आइडिया है कि वहां पे जो एम्प्लॉयर है वो कौन है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर इज सेट टू बी द ट्रस्टी, कि जो वो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी, जो फैक्ट्री वो चला रहा है, वहां पे उसने लेबर जो है वो हायर की हुई है, वो प्रोडक्शन कर रहा है वहां पे, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है और वहां से प्रॉफिट आ रहा है, तो वो कौन है। कहा जाता है एम्प्लॉयर इज द ट्रस्टी ऑफ द रिसोर्सेज, और ट्रस्टी का काम क्या होता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फॉर द वेलफेयर पर। तो वो ट्रस्टी हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा, अपने पर्सनल गेन के लिए काम नहीं करेगा, वो सिक्योर करेगा जो उस वहां काम करे उनका इंटरेस्ट सिक्योर करेगा। उसका मतलब एज पर दिस थ्योरी, यहाँ पे इस ये इंडस्ट्री रिलेशन से सिर्फ बात नहीं करेगी, डिस्प्यूट से बात नहीं करेगी, तो ये नहीं होंगे, या पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में ये भी नहीं होगा। जो बेस्ट वो हो सकता है इसका आंसर, वो लेबर वेलफेयर होगा, क्योंकि ऐसा नहीं ये गलत हैं, आप कहीं ना कहीं इनको जोड़ दोगे, बट हम किस चीज़ की बात करें, हम बात करें कि सही इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो लेबर वेलफेयर जो है, कि जहाँ पे ट्रस्टी बन जाता है ना, वो वेलफेयर देखता है किसका, यहाँ पे ट्रस्टी है इंडस्ट्री, तो वो वेलफेयर किसका देख रहा है, लेबर का। बेस्ट इज द सी आंसर, एंड दिस इज द ट्रस्टीशिप थ्योरी। टाइम लगे पढ़ लेना, यही यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ये एक्सप्लेन किया हुआ है, न्यू पीपल नो अबाउट दिस, राइट। और उतना टाइम आ चुका, आप लोग रिविजन चल रही है आपकी और अच्छे से पढ़ रहे हैं, आई नो दिस थिंग, है ना, पता लग जाता है। चलिए उसके बाद क्या कह रहे हैं कि टाइप ऑफ लेबर वेलफेयर कितने तरह के होते हैं, इट इंक्लूड्स इंट्रा म्यूरल है, एक्स्ट्रा म्यूरल है, दोनों है या कोई भी नहीं है। तो जब आप लेबर वेलफेयर की बात करें तो वो दो तरह के हो सकते हैं, जो इंटरनल है इंडस्ट्री के अंदर या किसी फैक्ट्री के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और जो बाहर के हैं, तो दोनों ही उसमें इंक्लूड होते हैं, ये डायरेक्ट है। तो इसकी बजाय कि ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका मतलब सी इज द बेस्ट वन, कि यहाँ पे दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, राइट। तो यही इसका आंसर है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होना चाहिए, कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज होनी चाहिए, यूरिनल्स हैं वहाँ पे, वॉश एरियाज हैं, रेस्ट रूम्स हैं, किचन हैं, ये होना चाहिए। और एक्स्ट्रा म्यूरल्स क्या हैं, कि मेडिकल फैसिलिटीज को मिले, पेंशन फैसिलिटीज मिले, तो ये बाद की हैं या बाहर की है ना, तो ये भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। देन कम्स द इंडस्ट्री रिलेशंस इंक्लूड व्हाट, इंडस्ट्री रिलेशन में आता क्या क्या है। अब ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉय वर्कर, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, ये सारे। अब यहाँ पे ये भी ठीक लग रहा है आपको, ये भी तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ये सभी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनके रिलेशन की बात कर रहा है, और यही हमने स्टार्टिंग में बात की, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। उसके बाद क्या कह रहा है, जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉयज हैं और उनकी पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है, वो इसमें होता है, बिल्कुल होता है, तभी तो उनका वेलफेयर देखा जाएगा, उनके डेवलपमेंट की बात हो रही है, वो इसमें बात करते हैं, ये तो सारे ही हैं, तो डी इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, राइट। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। हमने काफी सारी अप्रोच की बात की थी, कि मार्क्स क्या कहता है, यूनिटरी अप्रोच क्या, प्लुरलिस्टिक अप्रोच क्या, पॉलिसी थ्योरी जो है वो क्या है, सारी हमने बात की थी। ये अप्रोच है बिल्कुल है, पढ़ी हुई हमने, ये है, ये भी है, ये अप्रोच कौन सी है भाई, एम्प्लॉय की अप्रोच, ये तो बना दिया बस अपने आप से क्वेश्चन, एम्प्लॉय अप्रोच, एम्प्लॉय अप्रोच कुछ अप्रोच नहीं होती है एज पर हमारी थ्योरी। तो ये सारे सही हैं, बट आंसर क्या है, आंसर यहाँ पे डी लगाएंगे, राइट।
दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। अब कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे आप, करियरी अप्रोच जो हम पढ़ते हैं कि सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है, ह्यूमन रिलेशन की थ्योरी है, गांधीयन थ्योरी है ना, गिरी अप्रोच है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, अजम्पशन इन डैश अप्रोच इज दैट मैनेजमेंट एंड स्टाफ एंड ऑल मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शेयर द सेम ऑब्जेक्टिव्स इंटरेस्ट्स एंड पर्पसेस एंड दस वर्किंग हैंड इन हैंड टुवर्ड द सेम शेयर्ड म्यूचुअल गोल्स। सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन को समझें तो ये क्या कह रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी थ्योरी है, कौन सी अप्रोच है, दैट्स इट, दूसरा सवाल नहीं पूछ रहा है। तो अगर आपने ये अप्रोचेस पढ़ी है कि यूनिटी अप्रोच क्या कहते हैं, प्लुरलिस्टिक अप्रोच क्या कहते हैं, मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, उनको समझा है, तो इसका आंसर आपके लिए आसान होगा, राइट। चलिए दीजिए फिर आंसर, कमेंट करके फटाफट बताइए, देखते हैं कौन कौन आंसर देते हैं इसका। मैं दो मिनट वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट पाँच सेकंड वेट करता हूँ मैं, 5 सेकंड में आप टाइप कर सकते हैं, राइट। इतने हम समझते हैं इसको, अब दोबारा समझ लीजिए ये क्या कह रहा है कि जो मैनेजमेंट और स्टाफ के, एक क्या है मैनेजमेंट है, दूसरा क्या है लेबर है, राइट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है सेम है, अदरवाइज होता क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या प्रॉफिट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या वेजेस, इनको वेजेस मिल जाए, ये कहते हैं प्रॉफिट कमा लें, ये तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। अगर ये ऑब्जेक्टिव इनका कॉमन हो जाए, एक ही ऑब्जेक्टिव हो, वो तो पॉसिबल ऐसे नहीं लगता है, पर मान लीजिए कि है, तो वो तभी जब ये एक यूनिट है, अलग अलग नहीं है। अगर दोनों सेम है फिर तो पॉसिबल है ना, है ना, तो वो सेम का मतलब यूनिट है, तो अप्रोच कौन सी होगी, उनकी अप्रोच कैसी है, यूनिटरी अप्रोच है, तो यही इसका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा, ए मस्ट बी द आंसर, इसके कहेंगे। तो प्लुरलिस्टिक में तो अलग अलग होगा, मार्क्सिस्ट में तो वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट उसका देखते हैं कि क्लास स्ट्रगल की बात कर रहा है, वो होगा उसमें। चलिए तो यूनिटी अप्रोच यही कहती है, इंटीग्रेटेड देखा जाता है, हारमोनियस सिस्टम है, एक फैमिली की तरह है सारा। दूसरा क्या है, डैश थ्योरी फोकस इज ऑन स्ट्रगल बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द वर्किंग क्लास, द पावर रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द वर्किंग वर्कर्स वर इनहेरेंटली एक्सप्लॉइटेटिव एंड वुड इनएविटेबली क्रिएट्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो ये सारी बातें ना हमेशा याद रखना, मार्क्स ही करता होता है ऐसी, इस चीज की मार्क्स हमेशा बात करता है क्लास स्ट्रगल की, और यहाँ पे भी वही कुछ मुझे बात दिख रही है कि एक रिच क्लास होती है, एक पुअर क्लास होती है, जो पुअर क्लास हमेशा वो राइज करेगी, वो स्ट्रगल करेगी, तभी उसको कुछ मिलेगा, बिना स्ट्रगल उसको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो कैपिटलिस्ट हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं, बट वो वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है, या वो वेलफेयर नहीं देखते अपने प्रॉफिट के लिए, वो एक्सप्लॉइट करते हैं किसको, वर्कर्स को, और जब ऐसा होगा तो वर्कर्स क्या करेंगे, एक लिमिट होती है जहां तक कोई बर्दाश्त करता है, उसके बाद क्या होगा, स्ट्रगल होगा। तो ऑब्वियस है, अब यहाँ पे हम मार्क्स मार्क्स कर रहे हैं, तो मार्क्स की जो अप्रोच है बेसिकली वही होगी कि जो मार्क्स थ्योरी वही फोकस करेगी, और वही क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करते हो तो उसकी मस्ट बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यहाँ पे, राइट। और ये हमने बात कर ली कि वो रेडिकल पर्सपेक्टिव लेता है, वो क्या लेता है, राइट। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश अप्रोच परसीव ऑर्गेनाइजेशन एज अ कोलिशन ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, उसके रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय के, उनका इंटरेस्ट एंड स्टेबिलिटी इन इंडस्ट्रियल रिलेशन एज प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेशंस, किसके, बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। अब ये क्या कह रहा है, जो स्टेबिलिटी है इंडस्ट्री की, वो कॉम्प्रोमाइज है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच का, यानी कि यहाँ पे ये अप्रोच क्या कर रही है, वो कोलिशन बना रही है कि इट्स अ ग्रुप, इट्स अ कोलिशन, इट्स अ काइंड ऑफ यूनियन, जैसे हम कहते वही है ये, इस चीज की कि यहाँ पे ये मैनेजमेंट को अलग परसीव कर रहे हैं और वर्कर्स को, ट्रेड यूनियन जो उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनको अलग परसीव कर रहे हैं, इसका गोल अलग, इसका गोल अलग। तो इसका मतलब जो हमने बात की थी यूनिटरी अप्रोच की, यहाँ पे वो अप्रोच नहीं है, उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीपल अप्रोच है उसकी यूनिटरी की बजाय, यहाँ पे उसको क्या कहेंगे, ऑप्शन में देखिए प्लूरल, तो प्लूरलिस्टिक अप्रोच जो है वो इनकी अप्रोच है, दिस मस्ट बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर, ये हमने तो पहले बात कर चुके, तो दोनों नहीं होगा। ऑलराइट,
आपने क्या सोचा था इसका आंसर कमेंट करके बताइए, आपको पता था वो कमेंट करके बताइए। चलिए प्लुरलिस्टिक अप्रोच है कि प्लूरल है उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड म्यूचुअल नेगोशिएशन। अब यहाँ पे दो की वर्ड है, कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट, एंड दूसरा क्या है नेगोशिएशन, म्यूचुअल नेगोशिएशंस पर्टिकुलरली। राइट, अब ये कौन सी अप्रोच, किसकी अप्रोच है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है उसको सेटल कराने के लिए किसने ये अप्रोच दी है कि अगर कोई डिस्प्यूट है कैसे सेटल होना चाहिए, बाय वे ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड म्यूचुअल नेगोशिएशन। ट्रेड यूनियन है वो मिल के कलेक्टिवली बार्गेन करेंगे अपने डिमांड्स के लिए, पहला तो वो ये कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं कि नेगोशिएशन होगा आपस में सहमति से, दोनों से होगा म्यूचुअल, एक तो है ना कि एक ही अपनी कंडीशन रखी जाएगा। ये है जो हमारे प्रेसिडेंट थे वी वी गिरी, उनकी अप्रोच है। तो एक कह लीजिए ना जो लेबर वेलफेयर के लिए काम कर, लेबर के सपोर्टर्स, वो उनकी थ्योरी ऐसी थी। तो दिस इज द गिरी अप्रोच, ये हम पहले बात कर चुके हैं यूनिटरी और मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट तो क्लास स्ट्रगल की बात करेगा ना, तो गिरी अप्रोच राइट। यही आंसर सोच रहे हैं आप, नहीं सोच रहे तो बता दीजिए आप क्या सोच रहे हैं राइट। तो गिरी अप्रोच क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड म्यूचुअल नेगोशिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अप्रोच इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ट्रुथ नॉन वायलेंस एंड नॉन पोजेशन। ये तो चलो आपको शायद नहीं पता होगा, ट्रुथ और नॉन वायलेंस सभी ने सुना है, तो आप मुझे बताएंगे ये जो ऑप्शंस दिए गए गिरी अप्रोच, यूनिटरी अप्रोच, गांधी अप्रोच, प्लुरलिस्टिक अप्रोच, इनमें से क्या होगी। पहली बात तो ये है, अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए सारी अप्रोच डिस्कस कर ली हैं, तो आपको वैसे ही पता होगा, पता है तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। दिस इज नंबर वन, नंबर डाल दीजिए वहां पे क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट करके बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपने बी लिख दिया नहीं पता लगे कौन से नंबर का बी बताया, सी बताया तो आपको पता नहीं कौन से का सी बताया, पहले का आपका बताया वो काइंडली देख लीजिएगा राइट। अब ट्रुथ और नॉन वायलेंस की बात किसने की थी, ये हमेशा बात इंडिया में तो गांधी ने की, और किसने की तो मुझे बता दीजिए, स्टार्ट तो उन्होंने किया है सत्याग्रह, उनकी फिलोसफी तो थी नॉन वायलेंस की, ये फिलोसफी किसकी होगी, गांधी की होगी, तो सी इसका आंसर होना चाहिए। पता था ना आप लोगों को, पता होना चाहिए, नहीं पता तो गलत बात है। चलिए तो गांधी ने अप्रोच यही कहती है कि उनका जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है, सच्चाई पे चलेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे। उसके बाद क्या आती है, विच थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर हैज टू कनोटेशंस, क्या इन्वेस्टमेंट एंड अटोनमेंट। तो कौन सी जो थ्योरी है वो कहते इन चारों में से कि लेबर जो वेलफेयर है वो दो चीजों पे है, कि पहले आप इन्वेस्ट कीजिए फिर उसका होता ना कर्म करो और उसका फल मिलेगा, ये कहाँ पे होता है, कौन मुझे आंसर बताएगा इसका कमेंट करके बताइए। 13 का आंसर, ये रिलीजियस थ्योरी है, पॉलिसिंग थ्योरी है, फिलेंथ्रॉफिक और पैटर्निस्टिक, यहाँ पे सारे नाम बदल गए हैं, इनमें से अभी तो कोई डिस्कस नहीं किया तो कन्फ्यूजन अब आपको होने वाली है, फटाफट बता दीजिएगा पता है तो कमेंट कीजिएगा। आई कैन वेट फॉर यू गाइज फॉर 5 सेकेंड, आई मस्ट वेट, हाँ मैं देखता हूँ कि कौन कौन कमेंट करता है जी, फटाफट फटाफट। चलिए तो क्या होगा, अब देखो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट एंड अटोनमेंट, आप कुछ कर्म कर रहे हैं और आप फल की इच्छा कर रहे हैं, अरे ये रिलीजन में ऐसे ही होते हैं ना कि भाई जो कर्म थ्योरी है, अपने कर्म अच्छे कीजिए तो फल अच्छा मिलेगा, ये वही है, तो ये रिलीजियस थ्योरी पे चलता है, तो बेस्ट जो होगा आंसर इसका वो रिलीजियस थ्योरी राइट, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी लेबर वेलफेयर फैक्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रियल वर्क प्लेसेस प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर ओनर्स एंड मैनेजर्स ऑफ कैपिटल टू एक्सप्लॉइट वर्कर्स इन अनफेयर मैनर, की कौन सी थ्योरी है इनमें से जो आपको लगता है कि उसके अकॉर्डिंग इन चारों में से कि जो एम्प्लॉयर है उसके पास क्या है, वो इंडस्ट्री चला रहा है, अब उस पर जो उसके अरेंजमेंट किए उसके अकॉर्डिंग ही कैन एक्सप्लॉइट वर्कर्स इन अनफेयर मैनर, क्यों काम करवा रहा है पैसे दे रहा है राइट, कभी भी निकाल देगा, डरा सकता है वो, डरा के कि भाई काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो,
तुम नहीं करोगे तो दूसरे को लेंगे, तो वो वहां पे जो बार्गेनिंग पावर है लेबर की वो कम हो जाती है। अगर हम बात करें कि लेबर बार्गेन कर सकते हैं, कलेक्टिव बार्गेन, अगर वो के मुझे तुम्हें रखना ही नहीं, तुम जिस जिसको शौक है वेजेस बढ़वाने का और उसको लगता है स्ट्राइक करनी है, निकल जाइए, हम किसी और को हायर कर लेंगे। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और ये किसके पास है हथियार? सिर्फ एम्प्लॉयर के पास है, एम्प्लॉय के पास तो नहीं है। हाँ कह सकते हैं, कब कंडीशनल है वो, कि एम्प्लॉय पुराना है, जो नेचर ऑफ वर्क टेक्निकल है, उसके बिना एम्प्लॉयर का गुजारा नहीं है। जहाँ पे उसके उसके बिना गुजारा है वहाँ पे वो वीक है, वहाँ पे एम्प्लॉयर इज मोर पावरफुल और वो एक्सप्लॉइट करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, क्योंकि जो लेबर है उनका जो काम है वो हमेशा स्किल्ड नहीं होगा, वो जो काम करेंगे अनस्किल्ड होगा, और वहां पे उनको रिमूव करने की, रिप्लेस करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है, राइट? अब यहाँ पे क्या, ये थ्योरी क्या कहेगी? अब इसको सोचिए, बेसिकली ये क्या है, गुंडा राज, एक तरह से गुंडा कर दी, पुलिस पुलिस स्टेट, ये पुलिस थ्योरी आ जाती है। रिलीजन में तो ये है ही नहीं, ना ये फिलेंथ्रोपी हो सकती, ना पेटर्निस्टिक। पेटर्निस्टिक में होता है ना, बच्चों की तरह प्यार करते हैं अपने लेबर को। फिलंथ्रॉपिक, जो उसे जग भलाई करनी है, समाज सेवा, बस वो है फिलंथ्रॉपी। यहाँ पे नहीं है। 14th का आपको क्या लगा था आंसर, कमेंट करके बताइए, अगर किया तो देखिए बताइए क्या है। तो बी मस्ट बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, दिस इज द आई बिलीव द लास्ट क्वेश्चन वी हैव। अब यहाँ पे जो ये चार ऑप्शन है, अब इसको देख लीजिए कि चारों में से कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ पहले कि विच थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर इज बेस्ड ऑन द मैंस लव फॉर मैन काइंड, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, ऐसे याद कीजिए ना। चलिए फटाफट, कि कौन सी थ्योरी इन चारों में से, रिलीजियस थ्योरी है, पुलिस है, फिलेंथ्रोपी है, पिलिटनलिस्टिक, और मुझे बता सकते हैं। अब आपको ये तो बताओ कि दोनों तो, ये तो हो सकती है रिलीजियस, उसी को क्या पता रिपीट कर दिया हो वो, तो बताइए फटाफट से कमेंट करके कि मैंस लव फॉर मैनकाइंड ये कौन सी थ्योरी है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इस थ्योरी का प्रिंसिपल ऐसे कह लीजिए। अब सिंपल सा है, इंसान का इंसान से भाईचारा, यहाँ समाज सेवा में करे। समाज सेवा में होता क्या है, रिलीजन में ऐसा नहीं, रिलीजन आपका अपने लिए होता है, मेरा रिलीजन मेरे लिए, आपका आपके लिए है ना। स्पिरिचुअलिज्म जो होता है वह वही होता है कि मैं अगर कुछ करूंगा अपने लिए करूंगा, तो वहां पे था डीड्स और उनके एक्शन और उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। पॉलिस थ्योरी में क्या था, एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर्स की, यहाँ पे क्या है फिलंथ्रॉफी में, यहाँ पे समाज सेवा हो रही है। जब इंसान, एक पर्सन दूसरे से प्यार करेगा, पूरे दूसरे लोगों से प्यार करेगा, है ना, समाज से प्यार करेगा, तो वो क्या करेगा, समाज सेवा करेगा, यही है फिलंथ्रॉफी। तो यही फिलंथ्रॉफी थ्योरी है, तो जो इसका आंसर है बेस्ट पॉसिबल वो सी होना चाहिए, राइट? दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वी हैव, दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू डिस्कस, और ये फिलंथ्रॉपिक थ्योरी है, राइट? एक और डिस्कस कर लास्ट, अब एक थ्योरी कह रहा है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लेबर ग्रुप्स आर बिकमिंग मोर मिलिटेंट एंड आर कॉन्शियस ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस देन एवर बिफोर। अब एक थ्योरी जो है इनमें से, चारों में से, वो ये कहती है कि जो लेबर हैं अब वो क्या हो गए, अब रादर देन वो कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करते हैं, उनको लगता है कि वो रिक्वेस्ट करें वेजेस की, अब वो गुंडागर्दी भी कर सकते हैं। कैसे, कि उनको पता है कि उनके बिना गुजारा नहीं होगा, एज पर दिस थ्योरी दे हैव बिकम मोर मिलिटेंट, इकट्ठे हो जाते हैं कि तनख्वाह बढ़ाइए नहीं तो तोड़फोड़ होगी, हड़ताल करेंगे, धमकाते हैं वो बिजनेस ओनर्स। तो ये कौन सी थ्योरी है? अब ये वैसे सारी आप बात कर चुके हैं, अब पूछने की मुझे जरूरत रह नहीं जाती, क्योंकि रिलीजन हमने डिस्कस कर ली, फिलंथ्रोपी, ये सारी डिस्कस करनी है, सो प्लेटिकेटिंग बचती है, यही थ्योरी है, इसी की डेफिनेशन है ये, राइट? सो बेस्ट पॉसिबल जो इसका ऑप्शन है दैट इज सी, राइट? इज द राइट आंसर, यहाँ पे डी इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वी हैव। चलिए, सो दिस वॉज समथिंग जो हमें बात करना था, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, राइट?